नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इसके पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पर बीजेपी सांसद पर कांग्रेस का हमला देखने को मिला है। बता दें कि कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर शिकायत की है, साथ ही हिंदुओं को सम्मान के लिए जवाब देने का अधिकार है, ये साध्वी प्रज्ञा का बयान था, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार इस पर पलटवार करती हुई नजर आई। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है और इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार बता दें कि बीजेपी सांसद पर कांग्रेस का लगातार हमला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा के बयान की शिकायत की है और साथ ही बता दें कि हिंदुओं को सम्मान के लिए जवाब देने का अधिकार है और इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है और साथ ही बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस तमाम तरीके के सवाल उठाते हुए साध्वी प्रज्ञा पर नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी के सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है और साथ ही बता दें कि उनके बयानों को लेकर कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर हमलावर नजर आ रही है और इस दौरान कांग्रेस के जो तीखे बोल है वो देखने को मिले हैं सांसद साध्वी प्रज्ञा को लेकर। बता दें कि लगातार सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है उस पर हमला करती हुई नजर आ रही है। हिंदुओं के सम्मान के लिए जवाब देने का अधिकार है और ये साध्वी प्रज्ञा का बयान था, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस इस बयान के बाद से हमलावर नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में कोरोना से हाल बेहाल है, हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अस्पताल में भी भारी भीड़ है, कई शहरों में बढ़ते कोरोना केस के चलते दवाइयों की भारी किल्लत चीन में देखने को मिल रही है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी बड़ी संख्या में संक्रमित पाए गए हैं, शमशानों में लाइन लगी हुई है। इन सब के बीच चीन ना सिर्फ कोरोना से जुड़े आंकड़े छिपा रहा है, बल्कि ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां सब ठीक है। अब चीन ने यही दिखाने के लिए नियम में तमाम ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। चीन ने नवंबर में भारी विरोध के चलते विवादित, आपको बता दें कि जीरो कोविड पॉलिसी हटा ली थी। इसके बाद से चीन में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, यहां तक कि कुछ शहरों में रोजाना 10 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। साथ ही बता दें कि बीजिंग में भी बुरा हाल है और इन सबके बीच चीन ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन नियम में बदलाव किए हैं। साथ ही 8 जनवरी को यहां आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अभी चीन से बाहर से आने वाले यात्रियों को 5 दिन के लिए होटल में, जबकि 3 दिन में आपको बता दें कि सेल्फ आइसोलेशन में रखा जाता था। चीन में बता दें कि 2020 से विदेश यात्रियों को क्वारंटीन करने का नियम था, लेकिन इनमें अब बदलाव कर दिया गया है। 8 जनवरी से किसी भी यात्री को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। हालांकि चीन आने वाले पहले यात्रियों को कोरोना टेस्ट करवाना होगा और साथ ही लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में चीन दूतावास में सबमिट नहीं करनी होगी, बल्कि सिर्फ फ्लाइट में बोर्ड से पहले ही टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। तुनिशा शर्मा के सुसाइड का मामला के राज जो है वो रोज एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। एक्ट्रेस ने अपने सीरियल अली बाबा दास्ता ए कबूल के सेट पर आत्महत्या कर ली थी और इस मामले में उनके एक्स बॉयफ्रेंड और साथी कोस्टार शिजान खान को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने शिजान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। शिजान पर आरोप है कि उसने तुनिशा को प्यार के जाल में फंसा कर उसका इस्तेमाल किया है और फिर उसे कब किया है। साथ ही उसके खिलाफ एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी मामला दर्ज है। बता दें कि 24 दिसंबर को तुनिशा शर्मा की मौत की खबर सामने आई थी और आज 3 दिनों के बाद उसका अंतिम संस्कार होना है। बता दें कि तुनिशा के मामा पवन शर्मा अब उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए सोमवार शाम को ही अस्पताल पहुंचे थे और यहां पेपर वर्क खत्म करने के बाद अस्पताल से उन्हें एक्ट्रेस कोश का जो शव है वो वापस लाया गया है और इस दौरान रात को मीरा रॉड की वर्चुअली में रखा गया था। साथ ही आज दोपहर 3 बजे तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बता दें कि सलमान 57 साल के हो गए हैं। सलमान ने अपने बर्थडे के खास मौके पर अपनी फैमिली और साथ ही फ्रेंड्स के लिए एक ग्रैंड पार्टी होटल में रखी है। बता दें कि एक्ट्रेस के बर्थडे बैंड में बी टाउन में कई सेलिब्रिटी ने शिरकत करके वहाँ समा बांधा है। शाहरुख खान ने भी सलमान के बर्थडे पार्टी में पहुंचकर दबंग खान को सरप्राइज कर दिया। सलमान खान हर साल अपने बर्थडे को धमाकेदार अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने बर्थडे पर ग्रैंड पार्टी की। सलमान ने मीडिया के साथ भी अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। उन्होंने इस मौके पर बता दें कि पेपराजी को फूल स्वैग में पोज दिए हैं और साथ ही उसके साथ ही केक भी काटा है। इसके अलावा सलमान के जन्मदिन पर उनके फैंस को उन्हें प्यार और विशेष के लिए शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए हैं। वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ ही घने कोहरे की कहर जारी है। दिल्ली NCR में आज पूरी तरह घने कोहरे के आगोश में है। धुंध के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन शीतलहर और ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। साथ ही दिल्ली के पालम और सफदरजंग में सुबह से ही वक्त 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही है, जबकि राजस्थान के गंगानगर से 25 मीटर और चूरू के 50 मीटर, उत्तर प्रदेश के बरेली में 25 मीटर और जबकि आगरा और साथ ही बहराइच में 200 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली है। यूपी के कई इलाकों में भी घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में अगले दो दिन तक शीतलहर की चपेट में रहेगी। दिल्ली NCR के इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई है। दिल्ली NCR में कई हिस्सों में सर्दी से बचने के लिए लोग सुबह ही समय अलाव जलाते हुए नजर आए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और साथ ही पंजाब में ठंडी हवाएं चलने साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई है। झांसी के जेल में पूर्व विधायक से मुलाकात करने आए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने BJP पर तीखे प्रहार करते हुए कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और आदि मुद्दों को छुपाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कर, आपको बता दें कि सपाइलों को जेल भेजकर जनता को गुमराह कर रही है BJP। ये लगातार अखिलेश यादव ने BJP पर हमला किया है। सोमवार को ही बता दें कि झांसी के जिला कारागार में गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमों में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए दोपहर 3 बजे जिला कारागार पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने BJP पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि BJP सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। जनता की किसी भी समस्या का उसने पास कोई समाधान नहीं है, इसलिए वे समाजवादियों और साथ ही आम जन के लिए चिन्हित कर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनका प्रताड़ना उत्पीड़न करते हुए नजर आ रही है और अपनी कमियों को छुपाकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि दीप नारायण सिंह यादव निर्दोष है, उनके साथ साजिश की जा रही है और फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। बता दें कि BJP पर लगातार जो है अखिलेश यादव हमला करते हुए नजर आए हैं और इस दौरान बता दें कि अपने विधायक से वे मिलने आए थे जेल में, इस दौरान वे लगातार हमला करते हुए नजर आए। साथ ही बता दें कि उनका ये आरोप है कि BJP जनता को गुमराह करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर संत कबीर नगर से है, जहाँ पर विश्वनाथ बता दें कि पाल ओ को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के दौरान बता दें कि इस दौरान संत नगर में उनके प्रथम आगमन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अफताब आलम गुड्डू भैया ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बनकर सामने आ रही है और सभी सीटों पर पूरे जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे अफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया ने विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को कहा है। जब कोई पार्टी निचले स्तर में कार्यकर्ताओं को प्रदेश की जिम्मेदारी मिलती है तब पार्टी का विकास और विस्तार से होता है। ये बता दें कि लगातार
इसको लेकर ये बात कहते हुए नजर आए हैं। और साथ ही बता दें कि निकाय चुनाव पास है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी जो है वो भी अब जमीन स्तर पर नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं के साथ। वो बता दें कि इस दौरान वहाँ पे नजर आई है और साथ ही संत कबीर नगर वहाँ पहुंची, जहाँ पर बता दें कि विश्वनाथ पाल को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर संत कबीर नगर में उनके प्रथम आगमन को लेकर जोरदार उनका स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में अलग जोश देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नगर निकाय चुनाव बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बनकर सामने आ रही है और सभी सीटों पर पूरे जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ने वाली है। बहुजन समाज पार्टी में हमेशा ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, कोई मनोपोली नहीं रहती। एक हमारे वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता माने बहन जी ने विश्वास देकर हम लोगों के बीच में भेजा है। हम लोग खुशी की लहर है पूरे मंडल में कि ऐसे जो हमारे बीच के अध्यक्ष जी आए हैं और निश्चित तौर पे एक गति आएगी पार्टी। कार्यकारिणी का विस्तार हो गया संत कबीर नगर, ये हर चीज की हमारी कमेटी है, स्टेट कमेटी है, जिला कमेटी है, तो हमारे बहुत हेल्दी मोड में चल रहा है संगठन। आप चाहे वो बूथ लेवल का ले लें, सेक्टर लेवल का ले लें, विधानसभा जिला, तो कमेटी तो हमारी स्टैंड भी है और जो पार्टी की दिशा निर्देश है उस पर पूरा काम। कोरोना महामारी को लेकर एसपी सांसद बता दें कि सांसद शफी कुरहान बर्क ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा है कि कोरोना कुछ नहीं है बल्कि ये सियासी कोरोना है। दरअसल संभल में दीपा सराय स्थित अपने आवास पर सपा सांसद शफी कुरहान बर्क ने कोरोना को लेकर ये चुटकीले अंदाज में कहा है कि कोरोना जो प्रोपगेंडा है यह सियासी कोरोना है, कोरोना बीजेपी का सियासी कोरोना है, बीजेपी इस सियासी कोरोना से डर रही है क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर रही है। सपा सांसद ने कहा है कि कोरोना की उन्हें अभी जानकारी नहीं है कि कोरोना वास्तव में है या नहीं है, लेकिन सियासी कोरोना का जमकर फैलाया जा रहा है। चाइना में लगातार फैल रही कोरोना को लेकर उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में बीजेपी ने इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं की। हम लोग चाहते हैं कि इस पर बहस हो, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं की। अगर इस पर बहस होती तो सभी चीज़ें सामने खुलकर आती। और सपा सांसद बता दें कि शफी कुरहान बर्क बिहार के आरजेडी नेता अब्दुल बाड़ी को उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, उस पर सपा सांसद ने कहा है कि वे मुल्क में पैदा हुए हैं और यही रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। इस देश में जो कमियाँ हैं उनको सुधारेंगे बीजेपी, और बता दें कि आरएसएस मुसलमानों पर जो जुल्म कर रही है उन्हें सुधारने की काम हम करेंगे 2024 में। नहीं, हमें ये देश हमारा, इस देश में ही रहेंगे, इस देश को ही सुधारेंगे। इसमें जो कमियां हैं या जो मौजूदा गवर्नमेंट बीजेपी और आरएसएस जो हालात बिगाड़ रही है मुसलमानों के सिलसिले में, जो जुल्म और ज़ाती हो रही है यहाँ पर या आमतौर से ज़ाती हो रही है, तो उसको सुधारने के लिए हम आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब देंगे। अब खबर संभल से है, जहां पर बता दें कि विक्रम पैलेस में के पथ संचालन शुरू हुआ है और रास्ते में लोगों ने शिशु बाल स्वयं सेवकों पर जमकर पुष्प वर्षा करते हुए लोग नजर आए हैं। वहीं दुर्गा कॉलोनी शंकर इंटर कॉलेज जनता पेट्रोल पंप होते हुए संचालन विक्रम पैलेस पर विसर्जित हुआ है, जहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। और बता दें कि यहाँ पर विक्रम पैलेस से पथ संचालन शुरू किया गया। संभल जिले में टैक्स जमा किए बगैर सड़कों पर सरपट
दौड़ रही वाहनों के खिलाफ विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। ऐसे में हजार से अधिक वाहन स्वामियों को विभाग ने नोटिस थमाया है, जिस पर विभाग का करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया है। सहायक सभी संभागीय परिवहन विभाग का कहना है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान जमा नहीं किया तो बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वही विभाग ने इस नोटिस पर कार्रवाई की है और साथ ही वाहन स्वामियों को भी इस नोटिस के मिलने के बाद से उनमें खलमली मचते हुए नजर आई है। बता दें कि संभल की खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर टैक्स जमा नहीं करने के लेकर वाहन चालकों को नोटिस दिया गया, जिसके बाद से वाहन चालकों में खलबली मस्ती भी नजर आई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक बंदर की हत्या किए जाने के बाद से लाश को मंदिर के पास एक बता दें कि खंडर में लटका दिया गया और इसके मामले के बाद से हिंदू संगठन के लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई है और साथ ही बता दें कि कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जनपद अमरोहा थाना डिडोली क्षेत्र में जोया की है और जहां पर जोया कस्बे में बाजार में चामुंडा माता का मंदिर है और मंदिर पुलिस चौकी के पीछे बताया जा रहा है। इस मंदिर में आचार्य विजय तिवारी पूजा पाठ करते हैं और शनिवार को पुजारी विजय मंदिर में पास मौजूद खंडर से सूखी लकड़ियां जो है वो लाने गए थे, जहां पर इस दौरान उन्होंने एक बंदर को शव दिखाई दिया, जहां पर बता दें कि बंदर को किसी ने मारकर खंडर के मेन गेट पर लटका दिया था। पुजारी ने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी और कुछ ही देर बाद घटना को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, जिसके बाद से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। अब खबर ललितपुर से है, जहां पर बता दें कि 22 वर्षीय सुपेंदर, जो कि अपने ही गांव के निर्माणधीन पानी की टंकी पर ठेकेदार के कहने पर बिना किसी सपोर्ट के चढ़ गया और जिसके बाद से संतुलन बिगड़ने से नीचे भी गिर गया, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सुपेंदर को ठेकेदार ने कुछ पैसे का लालच भी दिया था, उसके बाद से सुपेंदर टंकी पर चढ़ गया। मजदूर को टंकी पर चढ़ना भारी पड़ गया और जिसके बाद से वे नीचे गिर गया और इस दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दबंगों द्वारा एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने और लूटपाट करने तथा बता दें कि तार से गले घोटने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने आज पुलिस अफसरों का दरवाजा खटकाते हुए नजर आए हैं। यह मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंज मोहल्ले का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले सुनील श्रीवास ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए अवगत कराया कि 22 दिसंबर की रात वे अपनी कार से बाटा चौराहे के अपने घर की ओर जा रहे थे। चौराहे में थोड़ी सी आग, सदर बाजार में एक मेडिकल स्टोर, चलने वाले दबंग द्वारा अपनी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी से ठीक के पास रोक दी गई, जिसके बाद से गाली गलौज शुरू किया गया। आरोप लगाया गया है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने के बाद से मेडिकल स्टोर के संचालक ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। सभी ने मिलकर लोहे की तार से उसका गला घोटने की कोशिश की है, जिस तरह से छूट कर वो भागा वहां से, और इस दौरान हमलावर जो उनके पीछे भी पड़े हुए थे और उसे पकड़ने की लगातार कोशिश की गई। साथ ही बता दें कि सुनील के अनुमान है कि आरोपियों के हाथ में कट भी था और घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले को लेकर प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाते हुए नजर आया है। अब खबर बस्ती से है, जहां पर बता दें कि प्रधान प्रतिनिधि के घूस लेने का ग्राम विकास अधिकारी किशन वर्मा को निलंबित किया गया है। बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी किशन वर्मा का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद ही बस्ती जिले के हड़कंप मचता हुआ नजर आया। वहीं यह मामला बस्ती जिले के विकास खंड साउंघाट के ग्राम पंचायत गंधाड़ी फेज का बताया जा रहा है। चलिए, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।